हेलो दोस्तों, सबको राम राम, सत श्री अकाल, मेरा प्यार भर सलाम। मैं आपका सुमित आज आपको लेके आ चुका बहुत स्पेशल जगह हरिद्वार की एक, और जो बहुत ही पुरानी है। आइए चलिए भैया से बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आपको आज क्या खिलाने के लिए लाए हैं यहाँ पे और क्या स्पेशल है। चला आइए भैया के पास। तो दोस्तों हम भैया के पास आ चुके हैं, आइए चलिए भैया से बात करते हैं और मैं आपको एक बार सेटअप दिखा देता हूँ भैया का, और उसको देख के आपको पता भी चल जाएगा हम क्या खाने आ चुके हैं। आज हम खाने आ चुके हैं छोले भटूरे। ये बहुत पुरानी आगे शॉप है। आइए चलिए भैया से बात करते हैं। भैया अपनी जुबानी बताएंगे कितनी पुरानी शॉप है। भैया नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया। और भैया कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? 47 साल। 47 साल गाय, आपने सुना 47 साल पुरानी शॉप है। जो भैया का कार्ट है 47 साल पुराना है। 47 साल से यहाँ पे हरिद्वार में भैया बंदों की सेवा करते आ रहे हैं। और भैया एक बार अपने छोले भटूरे का रेट बता दीजिए सबको, कितने रुपए के आज के? 20 रुपए। 20 रुपए? 20 रुपए में कितने छोले भटूरे? 3। गाइस आपने सुना 20 रुपए में 3 छोले भटूरे देते हैं भैया। और सबसे पहले कितने थे भैया जब स्टार्टिंग में शुरू करा था आज से 47 साल पहले? 5 के 3। बताओ गाइस, 5 के 3 से शुरू करा था, 20 के 3 है आज भी। बहुत चीप है छोले भटूरे हरिद्वार के ये, और ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है इनमें, बहुत टेस्टी छोले भटूरे होते हैं। और भैया जो आप ये बनाते हो, मैंने देखा भट्टी पे बना रहे हो, ये भट्टी में क्या यूज़ करते हैं? पत्थर, कोयला या लकड़ी है? कोयला। कोयला यूज़ करते हो गाइस? कोई गैस का यूज़ नहीं करते, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भट्टी में काम हो रहा है पूरा का पूरा। और भैया जो ऑयल है, ऑयल कौन सा यूज़ करते हो उसमें आप? सोया का ऑयल। गाइस ऑयल भी अच्छा यूज़ करते हैं, ये नहीं है कि 20 रुपये में बेकार क्वालिटी, एक A1 क्वालिटी खिला रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये छोले हैं, एक बार हमारे व्यूवर्स को छोले दिखा दीजिए भैया। ये काले चने ना भैया? ये काले चने हैं गाइस, हेल्दी भी है। तो गाइस हम भी अपनी प्लेट लगवाते हैं और खा के बताते हैं कैसे हैं यहाँ के छोले। तो दोस्तों हमारी प्लेट लग चुकी है, आप देख सकते हैं गरम गरम छोले भटूरे भैया ने लगा दिए हैं। भटूरे देखिए एक बार, कितने प्यारे भटूरे हैं। और ये भैया के चने हैं, देखिए गाइस हमारे छोले भटूरे लग चुके हैं। इतना मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ, भैया एक बार इसकी टाइमिंग पूछ लेता हूँ। भैया कितने से कितने बजे खड़े हो जाते हो? सुबह 5 बजे से 3 बजे तक। गाइस आपने सुना, सुबह 5 बजे से भैया की सेवा शुरू हो जाती है दोपहर के 3 बजे तक, मतलब वही जब तक खत्म होते हैं, जब तक भैया निकल जाते हैं। अगर जल्दी खत्म हो जल्दी निकल जाएंगे, वरना 3 बजे तक का टाइम तो है ही इनका। एक बार हमारे व्यूवर्स को लोकेशन बता दीजिए, कि जगह बता दीजिए। बेचल। बेचल में गाइस ये HRDC के अपोजिट खड़े होते हैं, और बाल मंदिर स्कूल के सामने सेक्टर 1 में। आप किसी से पूछ लीजिएगा, इजीली आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी। अब मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ छोले भटूरे की। दोस्तों है बारी टेस्टिंग की, बट टेस्टिंग से पहले मैं बात बोलना चाहूँगा, अगर आप हरिद्वार के आसपास के हैं तो भैया के पास आके विजिट जरूर करें। अगर कोई बाहर से बंदा आता है तो हमारी वीडियो को सर्च कर सकता है और इजीली हरिद्वार की बहुत सारी बेहतरीन वीडियो देख सकता है। हमारे पास वीडियो, बहुत सारी वीडियो डली हुई है हरिद्वार की, आप यहाँ सर्च करें और यहाँ पर आ सकते हैं। और लोकेशन वगैरह हम जितनी भी होती है हम सब डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देते हैं, आप उसको चेक करके इजीली सब जगह पहुँच सकते हैं। और जो भी छोले भटूरे लवर हो उसको आप टैग करें हमारी वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो कैसी बनी है। और मैं अब टेस्टिंग करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। गाइस भटूरा एकदम क्रिस्पी है, देखिए एकदम इजीली टूट गया, और बहुत पतला है, और तेल भी नामात्र ही हाथ में आया मेरे। और भैया ने साथ में मिर्ची का अचार दिया है, और ये चने हैं भैया के, छोले नहीं है, बट जो उसकी ग्रेवी है और जिसमें जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, बड़ा प्यारा आ रहा है और बहुत सही टेस्ट आ रहा है इसका। मतलब जो महक आ रही है, बहुत प्यारी महक आ रही है। मैं एक बार खा के बताता हूँ आपको। गाइस इनके मसालों का जो टेस्ट आ रहा है, स्पाइसी मस्त एकदम, जो सुबह के नाश्ते के लिए की जो कहते हैं जायका खोल दे सुबह सुबह की, मॉर्निंग बढ़िया कर दे, वो जायका आ रहा है। एक बार मैं मिर्ची के साथ लगा के देखता हूँ। गाइस एक नंबर छोले भटूरे सुबह के नाश्ते के, छोटा और मतलब 20 रुपये में सबसे सस्ता नाश्ता। आप आएँ यहाँ के खा के देखें, और जिनका टेस्ट है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, मेरी तरफ से बिल्कुल पास है ये, और टेस्ट में बिल्कुल बेहतरीन है। जो इसका फ्लेवर है ना इनकी ग्रेवी का, उसका कोई तोड़ नहीं है। गाइस ऐसे टेस्टी छोले भटूरे खाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और ऐसी बहुत सारी डिशेज दिखाने के लिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन आइटम दिखाने के लिए हम आपके लिए खड़े हैं, और आपको एक से एक जगह ले जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। मैं अपनी मील कंप्लीट करता हूँ, मिलता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।